माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से उनके संबोधन के लिए विनम्र निवेदन है। आज यहां झारखंड से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद, विधायक, उप महापौर, पदाधिकारीगण, आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री जी को जोहार करता हूं। निश्चित रूप से लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो आज 7 राज्यों में एक साथ शिलान्यास किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में रहने वाले गरीब कम आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से एक लंबी दूरदर्शिता के साथ आपने ये योजना प्रारंभ किया है। वैसे हम वर्षों से लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास दे रहे हैं और एक बड़ी पहल शहरी क्षेत्रों के लिए आपने किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक संक्षिप्त आग्रह करना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से शहरों में लोगों का आना और यहां बसना होता है, बहुत सारे गरीब मजदूर शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं और बस जाते हैं। ये अनवरत ये चीजें चलती रहती हैं और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर भविष्य में भी आते रहेंगे। मुझे लगता है सर, इसमें एक लंबी चर्चा के साथ एक ऐसी कार्य योजना हम तैयार करें जिसके माध्यम से इस तरीके के लोगों को हम लोग समय समय पर मदद पहुंचा सकें। सर, झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है, यहां इस LHP प्रोजेक्ट के माध्यम से 1008 घरों को बनना है और इसमें सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक हिस्सेदारी है
और लाभुकों की एक हिस्सेदारी है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरा आग्रह होगा कि झारखंड में लोगों की आय बहुत कम है, मजदूर तबके के लोग इस राज्य में अधिक वास करते हैं। हम उन मजदूरों के ऊपर अधिक से अधिक आर्थिक बोझ कैसे कम हो, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और चिंतन करने की आवश्यकता है। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। विशेष सर यही आग्रह के साथ आपके इस आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहां उपस्थित विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्री को, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले 4 राज्य 20 नगर निकाय एवं 88 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों में 9 विशेष पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 4 राज्यों को सम्मानित करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से इस सम्मान को कृपा पूर्वक स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे कृपा पूर्वक इस सम्मान को स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार माननीय। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि वे इस सम्मान को स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। त्रिपुरा राज्य द्वारा योजना में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो कृपा पूर्वक इस सम्मान को स्वीकार करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के निर्माण क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ऐतिहासिक क्षण आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर पूर्वक निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का रिमोट द्वारा इस शिलापट का अनावरण करते हुए शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा से निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री झारखंड से निवेदन है कि वे रांची में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का कष्ट करें।
धन्यवाद बने। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि वे लखनऊ में स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का कष्ट करें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से निवेदन है कि वे इंदौर में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का कष्ट करें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात से निवेदन है कि वे राजकोट में मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु से निवेदन है कि वे चेन्नई में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रीकास्ट कंपोनेंट असेंबल एट साइट तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण के प्रेरणा सूत्र माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम आदर पूर्वक अनुरोध करेंगे कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें, हम सबका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, झारखंड के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु ई के पनलानी स्वामी जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गवर्नर महोदय, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं, मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है।